सब्सक्राइब करना तो बनता और भूल ना जाना दबाना घंटा। Dubbed by MD Ansari's The Dubbing Show. ओए, अपनी आईडी दिखाओ। स्मृति विलोपम। ओए, अपनी आईडी दिखाओ। स्मृति विलोपम। मुश्किल वक्त। स्मृति, एक मेरी तरफ से। हाँ, जैसे तुम्हें मेरी परवाह होगी। मुझे किससे कहानियां हाँ। पसंद है? ज्यादा खास नहीं है कुछ। कोशिश तो करो। ना उल्लू, ना वो घटिया से मेंढक और ना ही गाना बजाना। अब हम आजाद हैं, अब हम खुल के जी सकते हैं। प्रोफेसर स्लगहॉर्न ने छोटा करने वाला काढ़ा बनाया और उसने अमेलिया को 3 फीट लंबा कर दिया। क्या तुम आज पार्टी में जाओगे रिमस? मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। ये जा रहा है मैरी के साथ, है ना? तुम्हें कैसे पता लगा? मुझे कैसे पता लगा? क्या तुमने उसके खत नहीं पढ़े? हम सब ने पढ़े, हमें लगा तुमने भी पढ़े होंगे। वो खत नहीं थे, वो दरवाजे के नीचे आते थे। वो खत नहीं थे, वो थे। तो तुम मैरी को ले जाओगे और तुम रेगुलस को? नहीं, रेगुलस प्रोफेसर स्लगहॉर्न के साथ जाएगा यकीन है। पीटर, तुम किसके साथ जाओगे? मुझे लगता है मैं अकेले जाऊंगा इस बार। ओ वाओ, तो तुम यही शर्ट पहन के जाओगे? हाँ, तुम्हें अपनी शर्ट चेंज करनी होगी। मुझे पसंद है। मैं सच बताऊंगा, ये भद्दी है, ये मुझ पे सूट करती है। ऊपर से स्वेटर डाल लो। वहाँ बहुत खूबसूरत लड़की आने वाली है, उसमें अच्छे दिखोगे, वो तुम पे जचेगा। तुम्हारा क्यों मुतरा है? हाँ, तुम ठीक लग नहीं रहे। पूर्णिमा की रात आने वाली है। ओ कम ऑन, वो अभी 3 दिन बाद है। हमें अपने रूटीन पता है। हाँ, उसकी चिंता भी मत करो, हम यहाँ जश्न मनाने आए हैं। जश्न मनाने हॉगवर्ट्स से आजादी के नाम। बिल्कुल दोस्त। Cheers. Dubbed by MD Ansari's The Dubbing Show. अब हम खटिया स्कूल यूनिफॉर्म्स को फेंक सकते हैं और फिनिक्स की फौज के लिए कुछ अच्छा पहन सकेंगे। थोड़ा सा काम अभी भी बाकी है। हम तुम्हारे साथ हैं दोस्त। तो लिली कहाँ है? वो कभी लेट नहीं होती। हाँ, बस आती ही होगी, ये उसका फेवरेट पब है। सुना है बड़े गुलछर रहे हो। कहीं छोटा पॉटर करने की फिराक में तो नहीं? नहीं, बोलो मत। ऐसा नहीं है, पर उसने मुझे दुनिया को अलग नजरियों से देखना सिखाया है, जैसे जिंदगी में बहुत कुछ है कुडिच और मानचित्र मंदन के अलावा। ऐसा मत बोलो, सबसे बढ़िया चीज की है हमने मानचित्र मंदन बना के, वो हमें लेजेंड बना देगा। और नक्शा मेरे बगैर कुछ नहीं होता। अब एक ही बात को कितना दोहराओगे? सोचो, चीजें बदलने वाली। हाँ बिल्कुल, सब अपने अपनी राह खुद चुनेंगे और दफ्तर में नौकरी करेंगे, पर हम हमेशा साथ रहेंगे। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, जो मुसीबत आने वाली है। कोई शायद हमारे साथ होंगे, बहुतों की जाने भी जाएंगी, कोई शायद हमारे खिलाफ लड़ेंगे। जिनके साथ हम हॉगवर्ट्स गए थे, उनके साथ हमें जंग के मैदान में लड़ना पड़ेगा। मुझे इतना पता है कि हम अलग नहीं होने वाले, और कोई भी प्राण बख्शी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जब तक हम साथ हैं। इधर दोस्त। पर अगर कोई अपना हमारे खिलाफ हो जाए, जिस पे सम्मोहन श्राप किया हो, या फिर उससे भी बुरा, कोई जो प्राण बख्शी ही बनना चाहता हो, जैसे कि स्नेप। बिल्कुल नहीं, मतलब वो यहाँ है। Dubbed by MD Ansari's The Dubbing Show. तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ क्या करने आया है? मुझे क्या पता। उसके साथ लड़ना चाहोगे? क्या? नहीं। तुम सीरियस हो? तुम सीरियस हो? चलो, वैसे भी हम उसे दोबारा नहीं देखने वाले। क्या तुम पागल हो? वो भी इस पब में? नहीं, उसे कहीं और ले जाएंगे। Come on, James. हम उससे मुकाबला कर सकते थे जब हम हॉगवर्ट्स में थे, पर हम में से किसी को भी अज़्काबान जाने। देखो, तुम लोगों ने खुद कहा था हम सब अपने अपने राह खुद चुनेंगे। तुम्हें क्या लगता है वो कौन सी राह चुनेगा? वो नामुराद मेरे कजिन्स के साथ घूमता है। तभी तो हमें उसे अभी सबक सिखाना होगा। हम उसे मारने तो नहीं वाले ना, और उसे चोट पहुंचाने से वो और भड़क जाएगा। उसके बाद भी जो तुमने किया। मैंने किया? तब जब मैंने उसे तुमसे बचाया था, जब वो तुम्हारी असलियत जान गया था। क्या हम अपने ड्रिंक्स एंजॉय नहीं कर सकते? क्या ये सब स्नेप और लिली की वजह से तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम इसी वजह से लड़ना चाहते हो तो देखो, हमें ये ध्यान रखना होगा कि वक्त आने पे वो हम सबसे डरे।
और मैं एक करूँगा। तुम्हें बात समझ आई? और तुम लोग साथ हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा दोस्त। पीटर, उसे पहले ही साल से हमसे ज्यादा श्राप मालूम था जितना हमें अभी पता है। हमें कुछ नहीं होने वाला जब तक हम साथ हैं। हाँ, जब तक हम सब साथ हैं। रेमस, ये बहुत जोखिम भरा है जेम्स। हाँ, यही तो हमारी बचपन की आदत है। हम उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे, बस थोड़ा सा डराएंगे। बिल्कुल मेरे दोस्त, चलो दोस्तों, चलो चलो, मजा आएगा। Dubbed by MD Ansari's The Dubbing Show. कैसे हो स्निवलस? यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कुछ तो जरूर कर रहे होगे। क्या तुम ड्रिंक पीने आए हो? लेडी, क्या तुमने इसकी आईडी देखी? तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ नहीं आ सकते। मैं अपने काम से काम रख रहा हूँ। बड़ी अजीब बात है, मैं वही कर रहा हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो। चलो भी स्नेप, मुझे तो बस एक बहाना चाहिए। अब आओ भी, तुम लोग इसे देख रहे हो, ये नाग शक्ति से है, अभी ग्रेजुएट हुआ है। तुम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। ये सब बाहर ले जाओ, वरना कोई नहीं बचेगा। एक के खिलाफ चार, बड़े बहादुर हो। मुझे इनकी जरूरत नहीं, ये तो बस तमाशा देखेंगे। वो तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली। अब समझा तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम माफी मांगने आए हो उसके बाद भी जो तुमने उसे बोला। एक बदजात। मुझे शायद किसी को निर्भेड़िया बुलाना चाहिए था, शायद मंत्रालय जानना चाहेगा। जेम्स, तुम हद पार कर रहे हो। तुम सबके सब बाहर निकलो यहाँ से। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, पर यहाँ नहीं। मैं एक जगह जानता हूँ दोस्तों। तो चलो फिर। अभी बिच्छू मंत्र होने की आदत नहीं पड़ी। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। लिली और मेरी काफी यादें जुड़ी हैं यहाँ। चलो एक सौदा करते हैं स्नीवी। अगर तुमने मुझे हराया तो मैं लिली से दूर रहूंगा, और अगर मैंने तुम्हें हराया तो तुम जिंदगी भर लिली को अपना गंदा चेहरा नहीं दिखाओगे। वो कोई प्रतियोगिता नहीं है जिसे जीता जा सके। अभी हार मान ली, ये तो और भी बढ़िया है। कम ऑन स्नीवी, मुझे एक किस दो इस गाल पे। कम ऑन। नहीं, निरस्त्र भवा।
तो संभाल लेगा। वो तो पहले ही हार चुका है। वो उसे मार देगा। Dubbed by MD Ansari's The Dubbing Show. Mastishk Pravishka. मजा आ रहा है। जितना सोचा था उससे कई ज्यादा शक्तिशाली है वो। तुम उसे दाएं से हमला करना, मैं उसे सामने से करूंगा। तीन गिनने पे, एक दो तीन।
शायद अब सबको पता है यहाँ का बॉस कौन है। मैं हाँ बहुत इज्जत करता हूँ अच्छे जादूगरों की जिनके पास अच्छे गुण हैं। शायद मैं सीख सकता हूँ एक महान जादूगर से जैसे तुम। सेवरस हो गया? हाँ रुको प्लीज। सेवरस रुको, सेवरस रुको। आखिर क्यों, आखिर क्यों तुम्हें छोड़ दूं? यही चाहते हो ना तुम पॉटर? तुम्हें लगा तुम जिंदगी भर मुझे तंग करोगे और शराब देते रहोगे? तुमने तो मेरी एक लौती चीज छीन ली जिसकी मैंने परवाह की थी, और तुम्हें लगा कि मैं सब सहता रहूंगा। तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे अंदर कितना दर्द भरा है। तुम्हें नहीं मालूम कि किसी को खोने का दर्द क्या होता है। तुम सही हो सेवरस, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हें माफ कर दूं? अब जब मैंने तुम्हें घायल कर दिया और अब जब तुम मुझसे डरते हो, फिक्र मत करो पॉटर, इसमें ज्यादा दर्द नहीं है। नहीं सेवरस प्लीज। अलविदा पॉटर। सेवरस प्लीज। तत्क्षण मरना। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? और तुम सबके सब ये क्या कर रहे हो? मैं तो बस। और तुम्हें लगा कि लड़ने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? और तुम सब तुमने क्या किया? तुमने ये सब क्या किया? मैं तो बस। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने ये क्यों किया मुझे सच जानना है। ये हमने शुरू किया था, ये तो बस तुम्हें देखने आया था उस बार में, और हमने इसे डरा के भगाने की कोशिश की। तुम सब के सब, तुम क्यों आए थे वहां? मैं तो बस ये कहने आया था। क्या कहने आए थे? कि मुझे माफ कर दो। जो मैंने तुम्हें कहा उसके बाद तुम्हें दोस्त रहने के लायक भी नहीं हो। तुम मेरी एक लौती दोस्त थी, मैंने सब बर्बाद कर दिया। मैं उस गलती के साथ जी चुका हूँ। तुम्हें वो घटिया शब्द कहने के बाद मुझे वो किसी को कहने का हक नहीं है। मैं वहां तुम्हें ये बताने आया था कि मैं कितना गलत था और कितना खुशकिस्मत था कि तुम मेरे साथ थे जब कोई और साथ ना था। मैं तुमसे बस माफी चाहता था,
मैंने सोचा कि तुम्हें अभी भी गुप्त कलाएं पसंद है। और तुम अभी भी बेलेट्रिक्स जैसे लोगों के साथ रहते हो। दिखाओ मुझे सेवरस, सुधर के दिखाओ, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। दोबारा मिलते हैं सर। तो बस यही थी मेरी कहानी। हाँ, शायद वो इस पब में वापस भी नहीं आने वाले। वैसे भी मैं समझता हूँ, मुझे मालूम है कि ऐसे घुट घुट के जीना कैसा लगता है। अब सब डरते हैं तुम्हारी शक्तियों से। तुम भी? हाँ बिल्कुल, बल्कि तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश थी। तुम कहना क्या चाहते हो? हमारे यहाँ एक ऊंचा पद खाली है। क्या? कैसे ऊंचा पद? आखिर तुम हो कौन? तुम जानते हो कौन? Dubbed by MD Ansari's The Dubbing Show. हाँ बेबी, खाना था है बेबी ने? बेस्ट फ्रेंड से बातें होगी तो मुझसे भी बातें कर लो। अबे सेटिंग बाजी बाद में कर लियो, पहले वीडियो शूट करा ले। तो कैसे हो दोस्तों? यार अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर मारे और दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है द डबिंग शो ऑफिशियल।